हेलो गाइस, एक्चुअली मैं केरला में हूँ। अपना जॉब मैं छोड़ दिया था और यहाँ पर आया हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा पैसे का मसला था, पैसा कम था। तो देखिए, यहाँ पर मैं आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत पीछे मेरे स्विमिंग पूल है और बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर देखिए, इधर उसका घर है जिसका ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जिसका ये हवेली बन रहा है। ये हवेली क्या, ये बहुत ही शानदार एक घर है, बहुत ही अच्छा बन रहा है स्ट्रक्चर से। और यहाँ पर स्विमिंग पूल है जिसमें बहुत ही शानदार से, मतलब क्या बताऊँ, डिजाइनिंग किया गया है, ये पर्सनली बनाया गया है। और इधर मैं दिखा दूँ, केरला में अभी भी लोग कुआं से पानी पीते हैं। केरला में अभी भी लोग कुआं से पानी पीते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, ये जो चार कोने का पहले जो होता था गोल में कुआं खुदाई होता था, लेकिन यहाँ पर चार कोने का कुआं ये नया वाला खुदाई हुआ है। इसमें बहुत ही शानदार मीठा पानी लगता है फ्रेंड्स। और इधर मैं हूँ, दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही खूबसूरत ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग काम कर रहे हैं और गजब का है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों, ये घर कैसा है। मे भी 2 करोड़ तक लग जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर खर्च रहता है, आप लोगों को पता है। और यहाँ पर समझ लीजिए कि 6 बंदे 7 बंदे एक बार में काम करते हैं एक दिन का, तो आप उसके हिसाब से देख सकते हैं यहाँ का मटेरियल कितना महंगा है। मतलब एवरीथिंग इज़ टू मच एक्सपेंसिव, यू कैन गेस गाइस कि कितना इसमें लग सकता है। सो गाइस, मेरे पास कोई भी कंटेंट नहीं है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो सोचता हूं कि इसमें ब्लॉगिंग भी करता रहूं और आपको अपडेट करता रहूं और आप लोग से जुड़ा रहूं दोस्तों। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो ताकि मुझे भी हौसला मिले। और गाइस, एक्चुअली मेरा प्लान अलग है, लेकिन ये मैं पार्ट टाइम में जॉब कर रहा हूँ, क्या करूँ, प्रॉब्लम्स है तो परेशानी में कुछ भी करना पड़ता है, कहीं कुछ तो करना पड़ेगा। हाथ पैर अगर नहीं चलाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सो नो प्रॉब्लम, आई कैन डू एनी थिंग, एनी वर्क, नो प्रॉब्लम। सो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ का खूबसूरती, केरला का, वेरी नाइस एंड अमेजिंग। सो एक और बात बताना चाहूँगा आप लोगों को, पता है कि केरला इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट है। सो आई लाइक, मुझे बहुत पसंद है। तो अगर आप केरला आना चाहते हैं तो आप एक बार आकर विजिट कीजिए, क्योंकि केरला बहुत ही अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं तो बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मुझे केरला बहुत अच्छा लगता है गाइस। तो आज मैं एक ऐसा घर दिखाने वाला हूँ जिसमें 2 करोड़ की लागत से मे बी ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, और अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। देखिए, यहाँ पर काम हो रहा है और इसमें मैं काम कर रहा हूँ। मैंने वो वाला अपना जॉब छोड़ दिया और फाइनली ये बहुत ही शानदार एक ड्राइंग है जिसमें यहाँ पर काम हो रहा है। देखिए, और मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर गाइस। एक्चुअली ये देखिए, केरला में ऐसा घर रहता है जहाँ पर पर्सनली अपना स्विमिंग पूल बनवाते हैं। केरला का ये स्विमिंग पूल है एकदम अमेजिंग, देखिए एकदम अलग तरीके का ये स्विमिंग पूल है। और यहाँ की खूबसूरती की बात करें तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है, वाकई में आप लोग देखिए ये खूबसूरती केरला का। और बहुत ही यहाँ पर सुकून रहता है, ना कोई हल्ला, ना कोई कुछ भी नहीं रहता है, बहुत ही सुकून रहता है केरला में। देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊंगा यहाँ का सीन। ये है स्विमिंग पूल, बहुत ही शानदार स्विमिंग पूल है, वाकई में किसी पार्क से कम नहीं है दोस्तों। ये घर है लेकिन यहाँ पर पार्क जैसे बनाया गया है, ये पर्सनली एक आदमी का घर है। और यहाँ पर काम हो रहा है, यहाँ पर कुआं है दोस्तों। और इधर में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही खूबसूरत है। इसमें 1-2 करोड़ तो 110% लग जाएगा मे बी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम है, बहुत दिन से काम चल रहा है यहाँ पर, देखिए। तो गाइस, अप डाउन व्यूज होता रहता है, कोई नहीं, लेकिन बात करें खूबसूरती की तो देखिए यार क्या खूबसूरत है यार, वाकई में मतलब क्या बताऊँ, कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं बताऊँ। और इधर देखिए यार क्या घर है, स्ट्रक्चर देखिए ये, मैं इसको अंदर से आप लोगों को विजिट कराऊंगा एक बार और दिखाऊंगा आप लोगों की कैसा दिखता है। आइए गाइस, इधर देखिए पीछे मेरे सीन, और अंदर दिखा दूं मैं आपको, बहुत ही शानदार है यार, वाकई में एकदम खूबसूरत है। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस देखिए ये कैसा है स्ट्रक्चर, आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी आपको घर पसंद नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर रूम का कोई ठिकाना नहीं है, कौन रूम है किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है, मे बी यह एक रूम है और इसमें समझ लिया कि मे बी टॉयलेट और बाथरूम हो सकता है, और उसके बाद ये किचन हो सकता है, उसके बाद ये आपका यहाँ पर मतलब ये भी एक रूम जैसा है, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, मैं कंफर्म नहीं बता सकता हूँ। और इधर देखिए गाइस, इधर भी सेम वैसे ही है। इधर देखिए ये भी कॉर्नर में है, ये इधर से एंट्री होने के लिए ये वाला बड़ा सा दरवाज़ा लगा हुआ है,
और इधर भी है, खुला है। और इधर दिखा दूँ गाइस, इधर देखिए, ये एक पर्सनल रूम हो गया आपका। फिर से यहाँ पर भी आपका ये मालूम नहीं है, लेकिन रूम टाइप का है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कितना इतना पतला पतला क्यों होना है, ये एक रूम हो सकता है। और गाइस देखिए, चारों तरफ इतना ज़्यादा लोहे का पाइप का यूज हुआ है ना कि क्या बताऊँ। और इधर से देखिए व्यूज गाइस, गजब का घर है यार, वाकई में। आप ही लोग गेस कीजिए कि कितना पैसा इसमें खर्च हुआ होगा। और ये पाइप जो लगा है ना गाइस, ये बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है, आप लोगों को पता है। और देखिए कितना दिन में रेडी, अभी तक 1 साल से लग रहा है इसका काम चल रहा है, लेकिन अभी तक रेडी नहीं हुआ गाइस। इधर आइए दिखाता हूँ आप लोगों को, इधर देखिए गाइस, इधर चारों तरफ है, इधर मेरे यहाँ के बंदे हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखिए ऐसा कुछ सीन है गाइस, देख लीजिए। इसमें छप्पर लगेगा, जिसे खपड़ैल बोलते हैं हमारे यहाँ में, देखिए। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।